फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण सागर अपने सागर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं कि आपकी अगर मेरिट जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको डाइट मिलना चाहिए या प्राइवेट मिलना चाहिए, मतलब कितनी मेरिट में आपको डाइट मिल सकता है और कितनी मेरिट में जो है वो आपको प्राइवेट मिल सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स अगर जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो को देख चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, वो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स। और अब बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आखिरकार जानते हैं कि वो क्या सेफ कट ऑफ है कि आपको डाइट या आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है खास। फ्रेंड्स सबसे पहली जो स्लाइड जो आप सभी के सामने दिख रही है इसमें मैंने यूपी के जितने भी जिलों की डाइट है उसके हिसाब से कॉमन कट ऑफ तैयार की है कि अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हो तो आपको चांसेस है 80% से ज़्यादा कि आपको डाइट ही मिलेगा। हालांकि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है लेकिन उम्मीद है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि इस बार आर्ट साइंस कोई कोटा नहीं है, एक ही कोटा है, तो थोड़ा आर्ट साइड वालों को दिक्कत हो सकती है। तो शुरू करते हैं बिना देर लगाए कट ऑफ को जरा पढ़ लेते हैं। आप चाहे वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, देख लीजिए आपकी कट ऑफ इसके अंतर्गत आ रही है कि नहीं आ रही है। जो जरा फटाफट नजर डालते हैं, अगर हम जनरल मेल के लिए 230, जनरल फीमेल के लिए 225, वहीं पर अगर हम ओबीसी मेल की बात करते हैं तो 225, अगर ओबीसी फीमेल की बात करते हैं 222, एससी मेल में 220 और एससी फीमेल में 215, एसटी मेल में 212 और एससी फीमेल में 205। फ्रेंड्स ये मेरिट ज्यादा है आप सभी को लग रहे होंगे लेकिन क्या करें, इस बार आर्ट साइंस सब एक ही में, इस वजह से मेरिट ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। तो ये मेरिट थी डाइट की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या रहेगी मेरिट प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे होंगे जो ये आपको जो नई स्लाइड दिखा रही है इसमें प्राइवेट की मेरिट है, काफी लोग खुश हो गए होंगे स्लाइड्स को देख के कि इसमें काफी कम मेरिट लिखी है। फ्रेंड्स ये लीस्ट मेरिट है कि किस लीस्ट मेरिट तक जो है वो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, इससे भी नीचे मेरिट जा सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही आंकड़ा ऐसे ही मेरिट जाएगी लेकिन इसके आसपास एक दो नंबर का फर्क जरूर पड़ेगा। तो जरा शुरू करते हैं बिना देर लगाए प्राइवेट की फटाफट मेरिट। अगर आप जनरल मेल है, अगर आपका स्कोर 200 है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है किसी न किसी जिले में। फीमेल्स के लिए 198 है, अगर ओबीसी की बात करें मेल तो वही 200 198। इस समय ओबीसी जनरल कोटे में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है यूपी में। अब बात करते हैं अगर आप एससी के मेल है तो 192, अगर आप एससी की फीमेल है तो 190, अगर आप एसटी के मेल है तो 185, अगर आप एसटी की फीमेल है तो 180। फ्रेंड्स ये थी प्राइवेट के मेरिट। आई होप आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डाइट वाली लिस्ट में भले शायद कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी लेकिन प्राइवेट की लिस्ट देख के आप लोगों को बड़ी खुशी महसूस हुई होगी। फ्रेंड्स इस बार सीटें काफी ज्यादा बढ़ गई तो है कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग आपसे कहते हैं कि बीटीसी में पैसा फेंकना बर्बादी, ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले 3 साल तक बीटीसी का इसको मेंटेन है, बना रहेगा, उसके बाद आगे क्या होगा वो बात की बात है। तो फिलहाल आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, अच्छा अच्छा मेरिट लाइए, अच्छा अच्छा कॉलेज चूज कीजिए, फिर एक अच्छे अध्यापक बनकर इस देश की शिक्षा को संभालिए। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ में, तब तक।